तद्भक्ताय नमो नमः। तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। श्रीराधिका पल्यदासी युगल वल्लभै नमः। वंशाकल्पतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा तस्य देवस्य सेवा। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग पाठ कर रहे हैं। आज किसी ने प्रश्न किया कि स्वामी जी एकादशी आज है या कल है, जब हम अपने प्राचीन भारत की ऋषि परंपरा को देखते हैं तो उन लोगों ने जिसे आज हम 24 घंटे बोलते हैं उन लोगों ने इसको 60 घड़ी में बांधा था, 60 घड़ी और एक घड़ी 24 मिनट की। अंग्रेजों ने देखा कि एकदम एज इट इज अगर हम लोग ले लेंगे, एक ही परंपरा को ले लेंगे तो हमारा वर्चस्व या हमारी महिमा कैसे रहेगी। चौबीस घंटे 60 मिनट इस तरीके से लिया। लगभग सूर्य सिद्धांत के अनुसार से, मतलब सूर्य वर्ष और सूर्य दिवस के अनुसार,
जो हमारी ऋषि परंपरा का था वो 60 घड़ी और जो 60 दंड, कहीं कहीं 60 घड़ी है, कहीं कहीं 60 दंड है। ये 60 दंड, एक दंड 24 मिनट का होता है और 24 मिनट को अगर हम 60 से गुणा कर देते हैं तो 1440 होता है। ऐसे ही 60 मिनट को अगर 24 से गुणा कर दें तो 27 नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्र कोई छोटा समय लेके आता है, कोई अधिक समय लेके आता है, वो पूरा घूमते हैं। उनको दिनमान उनको लेकर के गिना जाता है। तो कभी कभी कोई तिथि बहुत अनु समय लेकर के होती, वो केवल 26 दंड या 40 दंड की होती है। और कभी कभी कोई कोई तिथि 50 दंड की होती है, जहां 50 दंड के ऊपर ऊपर तिथि आ रही है तो वह हमारे 24 घंटे के अंदर में आ जाएगी, 24 घंटे के अंदर आ जाएगी, अंग्रेजी 24 घंटे। लेकिन अगर कहीं 60 दंड की तिथि पूरी आ रही है तो 24 घंटे के बाहर जाएगी। अंग्रेजों का जो 24 घंटा है उससे वो बाहर चले जाएगा। हमारे 60 दंड अंग्रेजों के 24 दंड से बहुत बड़े हैं, मतलब लगभग 1.5-2 घंटे का, 2 घंटे का अंतर है। ये जो 24 मिनट हम लोग बोलते हैं ना, और 24 मिनट प्रॉपर नहीं है, वो बांध दिया समझाने के लिए हमको। उसमें कितने पल, कितनी घड़ी, कितने मुहूर्त, ये सारी चीज़ें जब कैलकुलेशन की जाती हैं तब हमारी तिथियां ऐसे दिखती हैं कि एक तिथि दूसरी तिथि से छोटी है और एक तिथि दूसरी तिथि से बड़ी है, समझे। तो एकादशी से पूर्णिमा के बीच में, एकादशी से अमावस के बीच में ये दो तिथियां हैं। अमावस वाली जो तिथि उसको कृष्ण पक्षीय कहते हैं और जो पूर्णिमावासी वाली है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो जो अंधेरे के पक्ष को बढ़ाने वाली तिथि है, जैसे एकादशी से पूर्णिमा तक, इसके बीच में एकादशी से अमावस तक, इसके बीच में किसी भी तिथि में, द्वादशी में, त्रयोदशी में, चतुर्दशी में, एकादशी में अगर 60 दंड आते हैं, 60 घड़ी पूरी आती हैं, तब उस वार की एकादशी जो है वो बड़ी दिखती है। जैसे कल रात को एकादशी प्रारंभ हो चुकी थी, तो और आज मतलब कल सुबह, कल शुरू हो गई, कल सुबह 6:00 तक एकादशी है। तो कुछ पूर्व दिशा के लोग जिनके यहाँ पे सूर्य उदय 5:00 हो रहा है, 5:30-6:00 हो रहा है, तो उनके लिए द्वादशी में एकादशी प्रवेश कर रही है। और अगर हम लोग भी देखें वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तो 1 घंटा सूर्य उदय ये हुआ, ये सूर्य उदय इसके 1:36 पहले, 1:36 पहले अगर 10वीं तिथि है, ध्यान से सुनिएगा, 1:36 पहले अगर 10वीं तिथि है तो हम उस तिथि को एकादशी आने पर भी छोड़ देंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय में एकादशी का, दशमी का अगर प्रवेश है तो हम एकादशी को छोड़ देंगे। हम एकादशी नहीं है द्वादशी के दिन उसको करेंगे, द्वादशी को। इसके ऊपर मैंने शायद ऑनलाइन इसका होगा विद डिस्क्रिप्शंस कि किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है।
तो वो चीज़ को समझना होगा। लेकिन आज की क्या हो रही है, आज वाली एकादशी जो है वो कल भी सवेरे 1:36 पहले के अंदर, मतलब बिल्कुल सूर्य उदय के नज़दीक में वो पहुंच रही है। तो अगर कोई व्यक्ति कल वाला व्रत करता है तो उसको एकादशी का भी फल मिलेगा और द्वादशी का भी मिलेगा। इसलिए कई लोगों को ऐसे संशय हुआ, हमारे मठ वाले तो आज कर रहे हैं, आप बताइए हमें कब करनी चाहिए। मैंने कहा जो आपको पसंद हो वो कर लो, क्योंकि आज की एकादशी शुद्ध है, पूर्ण है, रात्रि को लगी थी, अभी पूरा दिन रहेगी, पूरी रात रहेगी, रात के बाद फिर अवर सवेरे तक रहेगी, तो इसलिए कोई दोष नहीं है, कर सकते। वेदों का भी जो समय है 400 साल बाद किलो जीरो पे आता है। क्या अंग्रेजों की जो कैलकुलेशन है 400 साल तक तो कंट्री ज्यादा होती है, 400 साल के बाद फिर ओरिजिनल पोजीशन। क्या बोले कल 10 तिथि तक कहीं 10 तिथि तक क्या कर ना ना 6:36 वो पारण का समय ऐसा कुछ बनाना पड़ता है, पारण का कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि उसमें 6 दंड का जो समय लिया जाता है तिथि जाने के 6 दंड बाद, या ऐसा कुछ उसका है, मेरे को वो अभी ध्यान में नहीं। तो इसलिए हमें जब मैंने हरिभक्ति विलास में दर्शन कर रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें द्वादशी की ही महिमा लिखी है। मतलब द्वादशी तिथि व्रत पालन करने की महिमा लिखी, और एकादशी के बारे में भी लिखा कि अगर कोई एकादशी करता तो वो द्वादशी तिथि का ही फल मिलेगा। मतलब एकादशी जो व्रत है वो उत्पन्ना एकादशी, आज उत्पन्ना एकादशी है, उससे शुरू हुआ। भगवान ने जब उस मूर्नामक दैत्य का वध करने का इच्छा किया, उसने ऐसा वर प्राप्त किया था कि मुझे कोई भी देवों में देव कोई भी ना मान सके, तो कोई देव मार ही नहीं सकता। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि वो सो गए, थक के सो गए। जैसे वो असुर आया भगवान के ऊपर आक्रमण करने लगा, भगवान कोई मरने वाली चीज है क्या? जब आत्मा को ही शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकते तो भगवान को काट लेंगे क्या? लेकिन लीला के अंतर्गत ऐसा दिखलाया कि उस असुर का नाश करना जरूरी था, तो एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने उस दैत्य का वध किया। और जब देवी ने मारा, जय जयकार हो गई। क्यों? क्योंकि उसने वर लिया था कि मेरे को कोई पुरुष मार ना सके। तो स्त्री मार सकती है, उसको था ही नहीं, स्त्री तो अबला है, क्या करेगी, ये तो मैं ऐसे पकड़ के खा जाऊंगा। मतलब स्त्री को बलशाली नहीं समझा, तो उसने जब वध किया भगवान की निद्रा भंग हुई, देवी हाथ जोड़े खड़ी है, भगवान कहते अरे तुम कौन और ये क्या हुआ? कहते प्रभु ये आपके ऊपर आक्रमण करने लगा था तो मैंने इसका वध कर दिया। कहते तुमने वध कर दिया, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं तो आपकी शक्ति हूँ। हाँ शक्ति हो, लेकिन क्या नाम है? कहते जिस नाम से आप बुला लें वही नाम है। आज क्या है? एकादश दिवस है, तो आज अमावस का एकादश दिवस है, तो ठीक है तुम्हारा नाम हो गया एकादशी। लेकिन वह एकादशी द्वादशी संयुक्ता थी, जैसे आज एकादशी कल द्वादशी संयुक्ता है, इसलिए भगवान ने उसको फल दिया कि तुम्हें जो भी पालन करेगा मेरे व्रत का फल मिलेगा।
तो द्वादशी जो व्रत है वो द्वादशी वास्तविकता में भगवान विष्णु का व्रत है। बावन द्वादशी, वरह द्वादशी इत्यादि सतयुग के समय में द्वादशी भगवान के अवतार के तीन चार अवतारों के कारण है, तो द्वादशी तिथि इसलिए मान्य है कि चलो क्यों कृष्ण पक्ष की द्वादशी और शुक्ल पक्ष की द्वादशी, एक में आए वरह एक में आए बावन, तो दोनों द्वादशियां जो हैं वो पूजनीय हो गई। तो देवताओं ने कहा ये द्वादशी तिथि जो पालन करेगा वो हमारे चुंगल से निकल जाएगा। तो तब से द्वादशी का इतना महिमा, लेकिन भगवान ने दया करके एकादशी को कहा भाई जो तेरा पालन करेगा वो उसका फल मेरे वाला मिलेगा। अब आई बात द्वादशी तिथि का फिर क्या होगा, कहते जो द्वादशी युक्ता एकादशी करेगा उसको एकादशी का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, द्वादशी का भी फल मिलेगा, मतलब वो महाद्वादशी हो जाएगी। तो इसलिए जो लोग कल व्रत कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज जो व्रत कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोई संशय की बात नहीं है, एकादशी तो कर ही रहे हैं। शास्त्र के अनुसार अगर बोलेंगे तो कल की होनी चाहिए, शास्त्र ये के अनुसार कहते हैं जहाँ पे आपको संशय या निर्णय करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई बार पलों का सेकंड्स का अंतर पड़ता है, कहते हैं अगर ऐसी कोई दिक्कत हो रही आप द्वादशी को व्रत कर लीजिए, शुद्ध एकादशी भी आप छोड़ सकते हैं। और अगर एकादशी बाय चांस भूल से आपकी रह गई है, सवेरे कुछ खा लिया कुछ कर लिया, तो आप द्वादशी कर लीजिए। मतलब बड़ा क्लियर है द्वादशी का व्रत शास्त्रों में प्रतिपाद्य सतयुग से है, तो इसलिए द्वादशी की महिमा अलग ही है। तो वो मैंने हरिभक्ति विलास में पढ़ा कि कहीं भी निर्णय में कहीं दिक्कत आ रही तो आप द्वादशी का पालन करें। तो इसलिए ऐसा अभी हमारे पंचांग में लिखा है आज का व्रत, तो मैक्सिमम लोग आज कर रहे हैं, लेकिन जो कल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग ये मत पूछना हमारे आप कब कर रहे हो, मैं दोनों दिन ही कर रहा हूँ, और बोलो आ जाओ मैदान में। सारी तिथियों की ऐसी एक होती है, सभी तिथियों की ऐसी ही होती है, जितनी तिथियां हैं सबकी ऐसी होती है, लेकिन द्वादशी में अगर एकादशी संयुक्त है तो और ज्यादा उत्तम मानी गई है। जैसे एकादशी में दशमी संयुक्त हो तो निम्न मानी गई है, लेकिन यहां द्वादशी में एकादशी संयुक्त हो तो और उत्तम मानी गई, स्वजातीय हो गई वो। हम लोग श्रवण कर रहे थे, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। देखिए 58 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं मेरे में तू चित्त अर्पण कर देगा तो सभी दुर्गों से, दुर्ग मतलब सभी बाधाओं से तू पार हो जाएगा।
कैसे पार हो जाएगा? मत प्रसादात, मेरी कृपा से। अगर तू अहंकार करके मेरी बात को नहीं मानेगा तो तेरा विनाश होगा। और कहते हैं अहंकार करके अगर तू युद्ध में नहीं लगेगा तो तेरी बात मिथ्या हो जाएगी, क्योंकि युद्ध तू करेगा। मैं नहीं करूंगा बोल करके तू जा रहा नहीं करेगा, लेकिन तू करेगा। जब अत्याचार होता हुआ तू अपने बड़े भाई के ऊपर देखेगा, या किसी अबला के ऊपर उत्पात होते देखेगा, तू रह नहीं पाएगा, तू करेगा। इसलिए ये दोनों बातों को समझ ले। अभिमान के कारण मेरी बात को अगर नहीं मानता है तो तेरा विनाश है, अगर मेरी बात को मान लेता है तो मेरी कृपा से तेरा निस्तार है। अगर अभिमान से तू युद्ध नहीं अभी करता है तब भी तेरे को बाद में युद्ध करना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद में भगवान ने देखा कि अर्जुन अभी भी मोहग्रस्त अवस्था से बिल्कुल निकल रहा है, तो अभी इस समय इसको तोड़ा जाए, मोह का छंदन किया जाए। कहते तेरा जो स्वभाव है उसके कारण से तो युद्ध से उपरहत नहीं हो सकता, निकल नहीं सकता। इसलिए मोह में ना पड़े ये स्वजनों के, कि तेरे स्वजन हैं इसके मोह में ना पड़े। तो भगवान इनडायरेक्ट में क्या दुनिया को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने स्वजनों को मार करके अपने हिस्से को लो? लड़ाइयां करो, जो मेरे हिस्से का मेरे को दो, भगवान ने गीता में बोला। यही तो, ऐसी स्थिति में अर्जुन का मोह होना स्वाभाविक है कि मैं करूं तो करूं क्या। तब बिल्कुल एकदम संसारिक कोई रिश्ता नाता नहीं, वहां चला जा। कैसे जाएंगे? जैसे मां के गर्भ में थे। मां के गर्भ में हमारा ना कोई बाप था, ना कोई मां था, ना कोई हमारा नहीं था। उस अवस्था से भी और पीछे चला जा कि तेरे को शरीर मां शब्द मिल गया, ये तो तेरे को बाद में मालूम पड़ा, और भी पीछे चला जा। उस अवस्था में चला जा जहां पे तेरा अहंकार ना हो और वहां पे केवल ईश्वर हो। तो ईश्वर के यहां दो भाव हैं, एक है जो आत्मा है, मूल आत्मा जिसने यह शरीर को धारण किया हुआ है। शब्द पे ध्यान दीजिए, मेरे एक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए। मूल आत्मा जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है उसको यहां पे ईश्वर कहा गया है। एक ईश्वर का ये अर्थ है, समझे नहीं? एक ईश्वर का ये अर्थ है, क्योंकि भगवान ने अन्य जगह पे बोला है ममई वंश जीवलोके जीव भूत सनातना, मेरा ही अंश है। तो भगवान का अंश भगवत तत्व से युक्त होता है, जैसे शक्ति से शक्ति ही प्रकट होती है, ज्योति से ज्योति ही प्रकट होती है, प्रकाश ही निकलता है। तो इस प्रकार परमेश्वर से जो भी तत्व प्रकट हुआ है वो ईश्वर है, जहां ईश है, ठीक। एक अर्थ यह होता है कि आत्मा को ईश्वर कहा गया, परमेश्वर नहीं बोला है, ईश्वर कहा गया। आत्मा को परमात्मा नहीं बोला है, ईश्वर कहा गया। जीव को परब्रह्म नहीं बोला है, ब्रह्म कहा गया, ठीक है। तो शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। उस दृष्टि से देखें तो जो मूल आत्मा मैं हूं, जो हृदय देश में हूं,
वहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो मेरे शरीर के जितने भी जीव हैं, कोटि 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 जीव, अनगनत जीव जो कि सेल के अंदर में हैं, वो सारे के सारे जीव मेरे बिना युद्ध में प्रमत्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ईश्वर किसे कहा गया? आत्मा को। क्योंकि अगर वह मन बुद्धि अहंकार चित्त के द्वारा भीतर जाएगा तो उस चित्त में अर्थात उस आत्मा में उसे परमात्मा का दर्शन होगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी सूरज की रोशनी आ गई है, हमें प्रकाश तो मिल रहा है, लेकिन प्रकाश के भीतर जाने पर, ऐसे जाएंगे उस रोशनी के भीतर, तो हमें सूरज का दर्शन नहीं होगा। लेकिन सारी अपनी इंद्रियों को उस सूरज की किरणों के उन्मुख कर देंगे तो हमें सूरज का दर्शन मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर तत्व के भाव में भावित होकर आत्मा के पास में, स्वयं के पास, मन बुद्धि अहंकार चित्त के को साथ में लेकर के जब हम चले जाएंगे, तब वहाँ जब मन बुद्धि अहंकार चित्त भीतर चला गया तो क्या भगवान कहते हैं? मत चित्तः, पहले बोल दिया उस बात में, मत चित्तः, सारा जो मेरे में तूने अर्पण कर देना, सर्व दुर्गानी मत प्रसाद प्रसादात्रिश, तेरे सारे दुर्ग, सारी जो बाधाएं हो सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तो यहां क्या बोले हैं कि उस हृदय देश में कौन प्रतिष्ठित है? ईश्वर। ईश्वर मतलब आत्मा। आत्मा के जब शरणागत मन बुद्धि अहंकार हो जाएंगे तब वह परमेश्वर अर्थात मेरा दर्शन करेंगे। समझे नहीं समझे? थोड़ा सा दिक्कत आ रही है? समझ में आ रहा मुझे? जैसे हमारे पास छोटा सा मोबाइल है, मोबाइल में नेटवर्क है, इंटरनेट है, तो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जो इंटरनेट का प्रोवाइडर है, मान लो एयरटेल है या जियो है, तो उस जियो को हम लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कब कर सकते हैं? जब हम प्रॉपर उसी के कोड डालेंगे। नहीं, एक तो अपना रह जाए थोड़ा सा। अरे नहीं, वो एक बिंदु रख दे अपने, तब भी नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं सब कुछ लेकर के भीतर जाओ। नहीं, वो छोटा सा वो हिस्सा जो है उसको थोड़ा सा हो जाता, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो हिस्सा जो है तुम्हारा पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। ये हिस्सा भी तुम्हारा पहले नहीं था, अब भी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। जब ये भी नहीं रहेगा तो इसको, इसके बारे में क्यों सोच रहे हो? भीतर जाओ और तत्प्रसादात, उनके प्रसाद से क्या होगा? परम शांति, तो परम शांति मिलेगी। मतलब इन दो श्लोकों का अनर्थ करने वाले इस संसार में बहुत लोग हैं। वो कहते भगवान ने पहले दो 61 नंबर से पहले 58 नंबर में बोला कि मेरे पास आ, मेरी शरण में आ, लेकिन जब देखा कि मेरी शरण में आने से इसका कल्याण, भगवान ईश्वरों के ईश्वर हैं, अगर ईश्वर भगवान को बोल दिया जाए तो शायद भगवान का जो महिमा है वो उसको थोड़ा सा बंधन हो जाएगा। इसलिए क्या बोला? ईश्वरः, है ना? भारत जो है बहुत ईश्वरवादी है, ईश्वरवादी नहीं है भारत। जिसके पास शक्ति है उसको ईश्वर कहता है, जिसके पास शक्ति है उसे ईश्वर कहता है, लेकिन जिसके पास सर्वशक्ति है उसे परमेश्वर कहता है। तो इसलिए परमेश्वर जो है उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, कहते तत्प्रसादात, उनकी कृपा से परम शांति, तेरे को परम शांति मिलेगी। आगे शब्द है स्थानम प्राप्य से शाश्वतम, तेरे को प्रॉपर स्थान मिल जाएगा। तूने खड़ा कहां होना है?
अभी तू मन बुद्धि से मेरी बातों पे तर्क कर रहा था, समझ रहा था, लेकिन मैंने जो बीज डालने थे तेरी आत्मा में डाल दिए हैं। अब तू अपनी सारी भावनाओं को लेके उसके पास जा, वो तेरे को जो बोलती है आत्मा वो कर। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं ना अक्सर लोगों को, देख मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब तेरी आत्मा जो कहती वो कर, बोलते ना अक्सर। तो तेरी आत्मा जो हम कहते हैं शब्द ये बोलते हैं भगवान, तो अब ये तेरी आत्मा ना बोल करके भगवान सीधा बोले भाई ईश्वर जो बोलता है वो कर, जो उसकी शरण में जाने से शांति मिले। ऐसा बोलने के बाद में भगवान ने, उन्होंने कृष्ण के लिए बहुत अपशब्द कहे हैं, उनके लिए कोई मेरे लिए सत शब्द नहीं निकलता। कृष्ण को बहुत उल्टे सीधे शब्दों के द्वारा उन्होंने मतलब बोला है, तो इसलिए श्री कृष्ण के लिए इस प्रकार बोलने वालों के लिए मेरे पास में कोई अच्छे शब्द नहीं है। उनके लिए बेवकूफ, मूर्ख, बिल्कुल पशुतुल्य। तो कहते हैं अगले श्लोक में भगवान 63 नंबर श्लोक में बोलते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। गुह्य मतलब गुप्त, गुह्यतर गुप्त से भी गुप्त बात को कहे। विमृश्येत अशेषेण यदिच्छसि तथा कुरु। मैंने जो अभी तक तुम्हें बात कही थी वो मैंने कह दी, गुह्य गुह्यतम गुह्यतर सब बात कह दी, अब तेरी जो इच्छा वो तू कर। वहीं पे आ गए ना, मतलब अब वही, मतलब उसकी शरण में जा, अपने आप के बाबा बुद्धि को ना लगा, जो मैंने बोलना था मैं बोल दिया, अब तू अंदर चिंतन कर, चिंतन करके जो बाहर आएगा वो तू कर। ये बोलने के बाद में भगवान को संतुष्टि नहीं हो रही कि कहीं ये गलती ना कर दे, तब भगवान कहते अभी तक मैंने तेरे को गुह्यतर बात बोली। 3 डिग्री होती हैं, गुह्य मतलब गुप्त, गुह्यतर गुप्त से गुप्त, गुह्यतम इससे और गुप्त कुछ भी नहीं हो सकता। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं सर्व गुह्यतमम, श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठों से ऊपर कुछ हो नहीं सकता, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता। सर्व गुह्यतमम भूय श्रेणु में परमम वचा, मेरे परम वचन को सुनो। अभी अभी तक मैंने जो तुम्हें बोला वो तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम्हें समझाता रहा, तुम अपने आप की बुद्धि को बल दे रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि तुम उस बुद्धि को छोड़ करके अपनी बात सुनो। मैंने बोल दिया, मैंने जो बोलना था बोल दिया, बोलने के बाद तुमने जो करना वो करो, ये मैंने बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, क्या इष्टोऽसि मे दृढ़मिति, तुम मेरा मित्र है ये दृढ़ बात है, ततो वक्ष्यामि ते हितम, ये पक्की बात है, तू मेरा परम प्रिय है, इसलिए मैं तेरे लिए एक, तेरे हित के लिए एक बात कह रहा हूं, क्या मन मना मद भक्तो, तू मेरा भक्त बन। क्योंकि जो तू इधर उधर जाएगा तो अन्य देवी देवता या अन्य शक्तियों के चरणों में तू जा सकता है। मन मना मद भक्तो मज्जादि माम नमस्कुरु। काट दीजिए उसे, उंगली आ कर दीजिए ना उसे, लाल 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 वाला उंगली आगे नहीं रखते।